देश के मुद्दों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हुए हैं और देश के उत्तर प्रदेश की आज हम राजधानी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में योगी सरकार में जिस तरह से लुलू मॉल का उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, उसके बाद से वहाँ नमाजियों के द्वारा नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी के सुशांत गोल सिटी थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ अज्ञात नमाजियों के खिलाफ। तो वहीं पर हम बता दें आपको कि तमाम हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार लुलू मॉल में किस तरह से नमाज पढ़ी गई। वहाँ वह करेंगे सुंदरकांड, वहाँ वह करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। तो वहीं आज हमारे साथ में एक हिंदू संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रामगोपाल शुक्ला हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे, वह किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, आखिरकार क्या लुलू मॉल में जिस तरह से नमाज पढ़ी गई उनके ऊपर उनका क्या कहना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। आप अपने परिचय के साथ में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार जिस तरह से लुलू मॉल में जो नमाज पढ़ी गई, नमाज पढ़ने के बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक आग लग चुकी है, तमाम हिंदू संगठन उस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जय परशुराम, मैं रामगोपाल शुक्ला, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। ये जो चर्चाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा में लुलू मॉल का जो उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन के 4 से 5 दिन के अंदर ही जो यहाँ पे जो नमाजियों के द्वारा नमाज पढ़ा गया है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए था। और उसमें कुछ ये है, इसका जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन किया है तो वहाँ के लोग जो है ना एक अंदर से एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हैं कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी करते हैं ना तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे साथ में जो हमारे इसके ऑनर हैं उनका योगी जी के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वहाँ पर आकर के पुलिस प्रशासन तो हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है। और लुलू मॉल एक सोशल प्लेस है, वहाँ पर इंजॉय करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बनाया गया है, ना कि वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए बनाया गया है। तो ये बताइए, लुलू मॉल के आखिरकार मालिक कौन हैं, उनको क्या आप जानते हैं? मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक मुस्लिम ही हैं, ये कर्नाटका साइड से हैं जी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, तो आखिरकार उनके द्वारा इस मॉल का उद्घाटन को किस तरह से देखते? देखिए, उद्घाटन सही है, अगर कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये कृत्य हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे क्या है कि हमारे भी हिंदू संगठन है, हमारा कोई दिखा दे कि किसी सोशल प्लेस पे बैठ के हम लोग सुंदरकांड कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, हम मंदिर किस लिए बनाए गए? मंदिर इसलिए बनाए गए हैं कि सुबह उठिए, अपने दैनिक कार्य करिए, दैनिक कार्य करने मंदिर जाइए, पूजन पाठ करिए, उसके बाद अपने ऑफिस जाइए। ऑफिस जाने के बाद में शाम को अगर आपको फिर से पूजन करना, शाम को वापस आइए, पूजन करिए। आप मुस्लिम भाई भी लोग हैं, उनके लिए भी इसलिए मस्जिद का निर्माण हुआ है कि आप अपना जो भी कार्य हैं उस चीज़ को मस्जिद में ही रह करके करें। जो सोशल प्लेस में है, सोशल प्लेस पूजन के लिए नहीं है, सोशल प्लेस अन्य कार्यों के लिए बनाया गया है। अगर वहाँ पर आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो इसमें आपस में विवाद का माहौल हो सकता है, विवाद हो सकता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि भारतवर्ष आगे बढ़े। विवाद से क्या होता है, हम लोग पीछे ही गिरते हैं, पीछे ही जाते हैं। अगर अभी हम लोग कहीं तोड़ फोड़ करेंगे या कुछ भी करेंगे, कोई भी दंगाएं होते हैं, उसमें देश का ही नुकसान होता है, किसी पर्सन नुकसान नहीं होता, देश पीछे बैकफुट पे चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हुआ बहुत गलत तरीके से हुआ, इस पर सरकार जाँच करे। और जो कुछ अभी हमको सुनने में आया, हमारा राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ इसकी जाँच भी कर रहा है, हमारे जो कुछ लोग हैं लगे हुए हैं, जो वहाँ पे बताया गया है कि जो क्या कहते हैं मुस्लिम लड़कों का या लड़कियों, हिंदी लड़कियों का जो वहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें कुछ ना होने पाए। मैं जो बातें बोल रहा हूँ शायद सभी लोग समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो वो ऐसी कोई घटना ना घटे उससे पहले सरकार को उस तरीके पूरी जाँच करनी चाहिए कि वहाँ पर लव जिहाद केंद्र ना बनने पाए। ठीक है, इस चीज़ के लिए योगी आदित्यनाथ जी से मैं विशेष निवेदन भी करता हूँ, अभी तो निवेदन करता हूँ, अगर कुछ गलत होता है तो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ पुरजोर उसके खिलाफ आएगा, जरूर पड़ेगा धरना प्रदर्शन भी करेगा, जो भी करना होगा करेगा,
हिंदुत्व के लिए कुछ भी राष्ट्रवादी ब्राह्मण संघ करेगा उसके लिए कुछ। यहाँ पर जैसे कि लगातार हिंदू संगठन पहुँच भी रहे हैं और सुंदर कांड हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वहाँ पर पहुँचने की हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या यानी कि वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है कि अज्ञात नमाजियों खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद भी आखिरकार हिंदू संगठनों का इस तरह का विरोध क्या यानी कि दर्शाता? आप भी एक हिंदू संगठन से? हाँ, मैं भी एक हिंदू संगठन से हूँ और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी हम लोग शिक्षित हैं, अच्छी तरीके से जानते क्या गलत है क्या सही है। अगर सरकार ने कुछ कार्रवाई की है, मैं समय देता हूँ, अगर 5-7 दिन के अंदर जिनके ऊपर अज्ञात दिखाया जा रहा है अगर उनको नामित करके अगर वारंट उनके खिलाफ़ नहीं निकाला जाता है या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हमारा संगठन भी उस चीज़ पे आएगा। लेकिन अभी मैं कुछ समय देता हूँ सरकार को, पुलिस प्रशासन को, कि उनको सामने लाया जाए जिन्होंने इस तरीके का कार्य किया है। और साथ में लुलु मॉल के जो भी संस्थापक हैं, जो भी हैं, उनको भी एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर इस तरीके कोई भी घटनाएँ दोबारा घटती हैं तो ये उचित नहीं रहेंगी। इसके लिए राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ पुरजोर इसका विरोध करेगा और उसके लिए कुछ भी करेगा। जैसे लुलु मॉल बना, आपने बताया अपने वक्तव्य में कि वहाँ पर जो हिंदू लड़कियों की संख्या है वह और मुस्लिम लड़कों की संख्या है, तो वहाँ पर जिस तरह से लव जिहाद का जो केंद्र आपका कहना है, तो क्या यानी कि इस चीज़ को अन्य हिंदू संगठन भी दर्शा रहे हैं कि क्या लव जिहाद वहीं पर एक केंद्र ही बन के रह जाएगा लुलु मॉल? हाँ, दर्शा रहे हैं, लेकिन मैं पूर्णतया तभी बोलूँगा इस चीज़ को। लेकिन हाँ, लग रहा है उसका उद्देश्य या जो भी अभी तक जो भी दिखने में आया है कि उसी तरफ इशारा करता है, लेकिन अभी जब तक मैं पूर्णतया इस चीज़ जाँच नहीं, मेरी टीम कर लेती है, मैं इस चीज़ को पूर्णतया नहीं बोल सकता हूँ, पूर्णतया आरोप नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन सरकार से बोलूँगा कि हम लोग करें, इससे अच्छा सरकार, पुलिस प्रशासन उस चीज़ की अच्छी तरीके से जाँच करें, जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर, जिन लोगों को ज्वाइन किया गया, कौन से हैं, कैसे हैं, क्या है। हम अभी मैंने न्यूज़ देख रहा था जो वहाँ पे लुलु मॉल यहाँ स्टाफ जो पूरा जो भी देखते हैं उनका मैं देख रहा था, तो उन्हें उसमें बोला है कि जो उसके लिए मतलब उसमें जो पास हुए, इंटरव्यू पास हुए हैं उन्हीं को रखा गया। तो उसमें अगर ये परसेंटेज दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम लड़कियों परसेंटेज ज़्यादा है, हिंदू लड़कियों परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब क्या मुस्लिम ऐसा नहीं कि हिंदू लड़के क्या शिक्षित नहीं है कि उनका परसेंटेज नहीं वहाँ होना चाहिए था? अगर 80% मुस्लिम वहाँ पे लड़के हैं, 70%, मैं इसको ओपनली अभी बोल नहीं सकता इसलिए मेरे पास कोई इस तरीके का ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है जो चीज़ें वहाँ पे हैं, तो क्या हिंदू नहीं शिक्षित थे तो क्यों मुसलमान ही लड़कों क्यों रखा गया वहाँ पे? मुस्लिम लड़कियाँ नहीं शिक्षित थी क्या, क्यों हिंदू लड़कियों को ही रखा गया? तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं, इस चीज़ पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर सारी जाँचें बाहर आएंगी कि क्या वहाँ की हकीकतें हैं। क्या जांच में अगर कुछ सामने आता है तो आपका संगठन भी क्या विरोध प्रदर्शन करेगा? बिल्कुल करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा, वो भी अच्छी तरीके से करेगा, जिस तरीके से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में हिंदू संगठन के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा रामगोपाल शुक्ला, जिनसे हमने बात किया जो लुलु मॉल में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तमाम हिंदू संगठन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं जिसके द्वारा वहां पर पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भी भेज रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि गंभीर आरोप भी लगाए इन्होंने लुलु मॉल के ऊपर कि आखिरकार कहीं पर वह लव जिहाद का केंद्र ना बन जाए, इसकी पुलिस प्रशासन जाँच करे और गहनता से जांच करके वहां लुलु मॉल में जिस तरह की प्रक्रिया जो भी चल रही है उसका पर्दाफाश करे। तो आपको हम यहां जानकारी के अनुसार ये भी बता दें कि सुशांत गोल सिटी थाना द्वारा जो है अज्ञात नमाजियों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज है और पुलिस की जांच अभी प्रचलित चल रही है, जहां पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन कड़े बंदोबस्त के साथ में लुलु मॉल के ऊपर तैनात है और लगातार वहां पर हिंदू संगठन या कोई भी मुस्लिम संगठन के लोग पहुंच रहे हैं तो उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, हम आपको दिखाते रहेंगे देश प्रदेश के मुद्दों पर सभी की राय। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।